बड़ी खबर महाराष्ट्र से, जहां पालघर लोकसभा सीट पर पेच ये फंसा दिख रहा है। बीजेपी से पिछली बार उपचुनाव जीतने वाले उम्मीदवार राजेंद्र गोविंद को बीजेपी फिर से चुनाव लड़ाना चाहती है, पर शिवसेना को इससे एतराज है। पिछली बार इसी चुनाव में शिवसेना की तरफ से श्रीनिवास वनगा को उम्मीदवार बनाया गया था और श्रीनिवास चुनाव हार गए थे। इसके अलावा शिवसेना और बीजेपी के प्रमुख नेताओं की बैठक मुख्यमंत्री आवास पर चल रही है। शाम 4 बजे से बैठक शुरू होगी, जिसमें प्रचार की रणनीति पर भी चर्चा होगी। अभिषेक पांडे हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अभिषेक, शिवसेना को क्या एतराज है? देखिए, शिवसेना को एतराज इस बात से नहीं है कि बीजेपी बीजेपी का कैंडिडेट लड़े। शिवसेना और बीजेपी की कोशिश इस बात को लेकर के है कि बीजेपी का जो प्रेजेंट एमपी है उसी को शिवसेना पहले अपने पार्टी में शामिल कराए और फिर एबी फॉर्म इशू करे, यानी शिवसेना के वो फ्लैग से, शिवसेना के चिन्ह से वो लड़े और शिवसेना का उम्मीदवार बन के लड़े, जबकि श्रीनिवास वनगा ऑलरेडी शिवसेना के पास हैं। और ऐसे में कोशिश शिवसेना ये कर रही है कि श्रीनिवास वनगा को इस बार उम्मीदवारी ना दे के जीतने की कंडीशन में जो राजेंद्र गावित हैं उन्हीं को पहले अपनी पार्टी में शामिल कराया जाए और उसके बाद फिर वहां पर उनको उम्मीदवार लड़ाया जाए शिवसेना की तरफ से। इस पर औपचारिक सहमति अभी बननी शुरू हुई है, जबकि 12 बजे अर्जेंट में बैठक बुलाई गई है उद्धव ठाकरे द्वारा इस पूरे मामले को सॉर्ट आउट करने के लिए। ठीक है, शुक्रिया।